हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हरियाणा जीके का टॉपिक हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं करेंगे, जो आपके HSSC TGT एग्जाम 2023 के जनरल सेक्शन के लिए भी जो है उपयोगी होगा, और साथ साथ आपके HSSC CET मेन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसे हम कहते हैं वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली योजना की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक योजना है, जिसका आरंभ जो है 22 जनवरी 2015 को हुआ था, और ये हुआ था हुड्डा ग्राउंड पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 हुड्डा ग्राउंड पानीपत से इसका आरंभ हुआ था, इस योजना का। इसका जो उद्घाटन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और इसका नोडल मंत्रालय था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और देश में जो ब्रांड एम्बेसडर थी उस समय माधुरी दीक्षित, और राज्य में जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो थी परिणीति चोपड़ा एंड साक्षी मलिक। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 हुड्डा ग्राउंड पानीपत से आरंभ, उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, देश में ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित, और राज्य में ब्रांड एम्बेसडर मीन्स हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा एंड साक्षी मलिक। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, सक्षम हरियाणा योजना 31 अक्टूबर 2016 से आरंभ इसका हुआ था। इसमें जो सम्मिलित आयु वर्ग है वो है 21 से 35 वर्ष, और जो प्रतित राशि है वो 9,000 रुपये मासिक जो है इसको दिया जाता है। सक्षम जो युवा योजना है, सक्षम हरियाणा योजना, 9,000 रुपये मासिक, केंद्र से 3,000 रुपये प्राप्त होते हैं, राज्य से 6,000, इस तरह से टोटल 3,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 9,000। अब आते हैं इसमें, आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि इसमें न्यूनतम जो है यानी मिनिमम महीने में 100 घंटे काम करना होता है, 100 आवर्स, तब जाके ये 9,000 रुपये मासिक प्राप्त होते हैं। अब आते हैं थर्ड पर, जय जवान आवास योजना, इसको आरंभ किया गया था 6 जून 2016 को, और जय जवान आवास योजना जो है इसमें क्या है कि बहादुरगढ़ तथा करनाल में सैनिकों के लिए घर बनाना है। ये जय जवान आवास योजना के अंतर्गत बहादुरगढ़ तथा करनाल में सैनिकों के लिए घर बनाना, ये आपको बताई दिया गया है कि यह योजना जो है जय जवान आवास योजना 6 जून 2016 को आरंभ हुई थी। चौथा है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, तो यह घोषणा जो है 4 अगस्त 2015 को हुई थी, और इसे 15 अगस्त 2015 को आरंभ किया गया था। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम के अंतर्गत 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो ध्वजारोहण है विद्यालयों में और कॉलेजेस में जो है, वहाँ की जिले की या गांव की सबसे पढ़ी लिखी जो लड़की है उससे ध्वजारोहण जो है करवाया जाता है, इसी को कहा गया है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, और ये योजना जो है संबंधित है ध्वजारोहण से, फ्लैग होइस्टिंग से। अगला है फिफ्थ मध्याह्न भोजन योजना MDM, तो ये योजना जो है सभी स्कूलों में आज भी लागू है, जो फर्स्ट टू एट्थ के बच्चों के लिए विद्यालयों में जो है MDM का भोजन जो है बनता है, रिसेस में बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम है, और उसमें प्रतिदिन के हिसाब से जो है डिसाइड होता है कि किस दिन क्या चीज़ बनेगी। तो इसमें MDM इंचार्ज होता है स्कूलों में, जो राशन है वो आता है उसी हिसाब से, जो है कुक्स लगती हैं उनकी पेमेंट भी आती है और कुकिंग कॉस्ट भी आती है। तो ये योजना जो है 15 अगस्त 2004 से आरंभ हुई थी MDM स्कीम। अब चलते हैं तीर्थ दर्शन योजना की तरफ। तीर्थ दर्शन योजना जो है 6 मार्च 2017 को आरंभ हुई थी। इस योजना के तहत सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु
के लोगों को मुफ्त में तीर्थों के दर्शन करवाएगी। इस योजना के तहत सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में तीर्थों के दर्शन करवाएगी। जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको जो है सरकार के द्वारा मुफ्त में तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए जाएंगे, तो इसको कहते हैं तीर्थ दर्शन योजना। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है कि सेवन्थ वन, जिसको कहा गया है ऑपरेशन मुस्कान योजना। ऑपरेशन मुस्कान योजना 1 जुलाई 2015 को आरंभ हुई थी। अब देख इसमें क्या है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा खोए हुए बच्चों को माता पिता तक पहुंचाना, ये है ऑपरेशन मुस्कान योजना कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये देखेगा कि जो खोए हुए बच्चे हैं, बच्चे जो खो जाते हैं उनको उनके माता पिता तक पहुंचाना। आठवां पॉइंट है मंगल नगर विकास योजना, और मंगल नगर विकास योजना 18 मार्च 2017 को आरंभ हुई थी और राशि जो है इसमें 1000 करोड़ रुपए जो है खर्च करना है। यह योजना राज्य में नगरों के विकास से संबंधित है। जो मंगल नगर विकास योजना है यह योजना क्या है, राज्यों में नगरों का विकास करना है। अब नाइन्थ पर चलते हैं। इस वीडियो में हमने आपके लिए 25 जो है इम्पोर्टेंट योजनाएं जो है ली हैं, आगे और भी लेंगे हम, फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ 25 की। एट्थ है, मैंने आपको बता दिया, मंगल नगर विकास योजना 18 मार्च 2017 राशि 1000 करोड़ रुपए, और यह योजना राज्य में नगरों के विकास से संबंधित है। नाइन्थ है दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। पहले हमने पढ़ा था मंगल नगर विकास योजना, अब है दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। ये भी 18 मार्च 2017 को ही शुरू हुई थी। जैसे मंगल नगर विकास योजना का संबंध नगर से था, तो इसका संबंध गांवों के विकास से है। इस योजना के तहत जो है ग्रामों का उदय किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। दसवां है महारा गाँव जगमग योजना। महारा गाँव जगमग योजना ये बिजली से संबंधित है और इसे 1 जुलाई 2015 को आरंभ किया गया था। इसमें ये था कि भाई प्रत्येक गांव को 24 घंटे बिजली पहुंचानी है, तो महारा गांव जगमग योजना के तहत गांवों में 24 घंटे बिजली रहे। तो ऐसे जो है जो गांव हैं जहां पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होगी तो वो कहा जाएगा महारा गांव जगमग योजना के तहत ये स्कीम है, यानी महारा गांव जगमग गांव भी हम कह सकते हैं। तो उसमें यही है कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं 11th अटल मिशन योजना। यह 6 फरवरी 2017 को आरंभ हुई थी अटल मिशन योजना, और यह केंद्र सरकार से संबंधित है। इस योजना में हरियाणा के 18 शहरों को सम्मिलित किया गया है। अटल मिशन योजना इसकी बिगनिंग हुई थी 6/2/2017 को और यह संबंधित केंद्र सरकार से है। इस योजना में हरियाणा के 18 जो शहर हैं उनको शामिल किया गया है। 12वां पॉइंट है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योोजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ था और ये स्वास्थ्य पर 5 लाख रुपए का इलाज इसमें मुफ्त होता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य पर 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त या फ्री। नाउ 13th वन 7-स्टार विलेज योजना। ये 26 जनवरी 2018 से आरंभ है। इसका जो उद्घाटन है वो कृषि मंत्री जो थे उस वक्त श्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा रेवाड़ी में किया गया था और प्रदत्त अवार्ड है रेनबो गांव अवार्ड। 26 जनवरी 2018 को आरंभ हुई थी 7-स्टार विलेज योजना। उद्घाटन कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़, तत्कालीन मंत्री। अब आते हैं 14th पर, महिला पुलिस थाना। आजकल आपको बताई है कि महिला पुलिस स्टेशन है, वुमेन पुलिस स्टेशन आप देख सकते हैं। तो 29 अगस्त 2015 से ये वुमेन पुलिस स्टेशन की जो है स्थापना शुरू हुई थी, इसका आरंभ हुआ था। अब चलते हैं 15th पर, नई खेल नीति न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी।
इसका आरंभ हुआ था 12 जनवरी 2015 से 12 जनवरी 2015। और ये क्या था कि 2009 के स्थान पर जो इसको लागू किया गया था, 2009 में जो है पुरानी खेल नीति थी उसको इसने रिप्लेस किया था। अब चलते हैं 16th पर, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से आरंभ हुई थी और इसका जो मंत्रालय, जो नोडल अधिकारी था वो था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब है सीएम विंडो योजना। सीएम विंडो में क्या है कि किसी को कोई शिकायत है जिसका निराकरण नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति सीएम विंडो पर शिकायत कर सकता है। तो इसका जो है आरंभ हुआ था 25 दिसंबर 2017 को और सूचना प्रौद्योगिकी व मुख्यमंत्री वेब पोर्टल द्वारा इसे लागू किया गया था। अब चलते हैं 18th पर, हरियाणा कौशल विकास योजना। हरियाणा कौशल विकास योजना 14 जुलाई 2015 से तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा लागू की गई थी। हरियाणा कौशल विकास मिशन 14 जुलाई 2015 से तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा लागू। अब है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। सभी सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है लागू है। तो ये जो है 2 मई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी कि जो कर्मचारी जो हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो हैं लगाते हैं, उससे हाजिरी जो है सुनिश्चित होती है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 20, हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना फैमिली आईडी, इसको जो है 4 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया पंचकुला से। अब है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, यह 21 अगस्त 2019 से आरंभ हुई। आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आरंभ कब हुआ था तो आप कहेंगे 21 अगस्त 2019 को। अगले पे चलते हैं 22वें पे, बेरोजगारी भत्ता योजना। बेरोजगारी भत्ता जो है 2005 से दिया जा रहा है और राज्य के बेरोजगारों को आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए इसे लागू किया गया था, बेरोजगारी भत्ता योजना को। अब है मुख्यमंत्री बागवानी योजना। आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना कब आरंभ हुई थी तो आप कहेंगे 1 जनवरी 2021 को। मुख्यमंत्री बागवानी योजना को 1 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। फिर है आपका बाल सेवा योजना, और ये बाल सेवा योजना जो है ये आपकी जो है 30 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी और ये संबंधित है कोरोना महामारी से हुए अनाथ बच्चों से। बाल सेवा योजना 30 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी और कोरोना महामारी में जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो वो बच्चे जो अनाथ हुए हैं उनसे संबंधित ये बाल सेवा योजना है। इसके बाद है लास्ट आपका आज के लिए, हरियाणा खेल नर्सरी योजना। तो इसको शुरू किया गया था 2022 जनवरी में और आयु वर्ग है 8 से 19 वर्ष। हरियाणा खेल नर्सरी योजना, राज्य के संस्थानों में खेलों के बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं का उपयोग करके जमीनी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। राज्य के संस्थानों में खेलों के बुनियादी ढांचे, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है और जो फैसिलिटीज हैं उनका उपयोग करके जमीनी स्तर पर यानी ग्राउंड लेवल पर खेलों को पॉपुलर बनाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है आज हरियाणा सरकार की या हरियाणा की कुछ वेलफेयर स्कीम्स को जो है पढ़ा। तो यदि ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।